महाराष्ट्र में सोमवार रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीचराह परेशान हो रहे शख्स की मदद के लिए काफिला रोक दिया। खबर है कि मुंबई में एक कार में आग लग गई थी, जिसके चलते बड़ी घटना भी हो सकती थी। हालांकि सीएम शिंदे ने मौके पर रुककर खुद मदद मुहैया कराई। फिलहाल पुलिस कार में आग लगने के कारण का पता लगा रही है। घटना सोमवार रात करीब 12:15 बजे की है। उस दौरान सीएम शिंदे का काफिला एयरपोर्ट से अंधेरी की ओर जा रहा था। रास्ते में मुख्यमंत्री की नजर विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर फॉर्च्यूनर कार में आग की लपटें देखी। घटना को देखते ही उन्होंने काफिले को रोका और ड्राइवर की मदद करने के लिए चल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जाने से पहले ड्राइवर को पूरी मदद मुहैया कराई। इस घटना में कार चालक को चोट नहीं आई है। पुलिस उपायुक्त नितिन पवार कहते हैं कि अंधेरी की ओर जा रहे सीएम ने घटना को देखा। अधिकारियों ने कहा कि सीएम ने अपने वाहन से निकलकर ड्राइवर की मदद की। पवार का कहना है कि जाहिर तौर पर कार में बारिश के चलते हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। उन्होंने कहा, घटना 12:15 बजे होने के चलते कोई ट्रैफिक जाम की खबर नहीं आई। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया और बाद में वाहन को मौके से हटा दिया गया। सीएम के वायरल हो रहे वीडियो में सीएम एकनाथ शिंदे को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ ड्राइवर के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ड्राइवर से उसका नाम पूछा, जिसने खुद को विक्रांत शिंदे बताया। वहां से रवाना होने से पहले सीएम ने ड्राइवर को जीवन का महत्व समझाते हुए उसे क्षतिग्रस्त कार के पास नहीं जाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने ड्राइवर को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। हाईवे पर विले पार्ले इलाके में हुई इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। ये मुंबई में उत्तर दक्षिण की प्रमुख और मुख्य सड़क है। बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे अपने काफिले से घटनास्थल से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर पीड़ित और उसकी चलती कार पर पड़ी। सीएम ने अपना काफिला रोक पीड़ित का हाल जाना, उससे आग लगने के बारे में जानकारी ली, साथ ही ड्राइवर का नाम पूछा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीएम शिंदे की दरिया दिली देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।